नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आज NIUS की DLED की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पाठ्यक्रम कोड संख्या 502 के अंतर्गत अल्पसंख्यक समूह के बालकों की शिक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। इसके लिए आज हमारे साथ डॉक्टर अखिलेश कुमार, शिक्षा विद्यापीठ शाखा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा से उपस्थित हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वतंत्रता के इतने दिनों के बाद भी हमारे देश में जो अल्पसंख्यक समूह के बच्चे हैं आज भी विद्यालय से बाहर हैं, इसके कारण क्या हैं, क्यों बाहर हैं, इनको कैसे अंदर लाया जा सकता है, इनको कैसे मेन स्ट्रीम में लाया जाए, इसकी क्या उपाय हैं, किस तरह की पॉलिसी बनाई जाए, इन सभी बिंदुओं पर आज हम डॉक्टर अखिलेश कुमार के साथ में चर्चा करेंगे। डॉक्टर अखिलेश कुमार जी, आप हमें बताएं कि अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों से क्या मतलब है, इसका अर्थ क्या है, किसे कहते हैं? धन्यवाद डॉक्टर राजेंद्र जी। जैसा कि आपने पूछा कि अल्पसंख्यक बालकों का क्या मतलब है, तो इस संदर्भ में बड़ी दिलचस्प बात बताना चाहूँगा कि हमारे भारतीय संविधान में ये जो अल्पसंख्यक शब्द है इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। माइनॉरिटी नाम से कुछ भी परिभाषा हमारे संविधान में नहीं दी गई है। दूसरा कि संविधान का जो हमारा अनुच्छेद 29-30, 350A और 350B है, उसमें माइनॉरिटीज शब्द का उल्लेख है, जिसमें अल्पसंख्यक से तात्पर्य नागरिकों के उस वर्ग से है जिसकी भिन्न भाषा, स्क्रिप्ट या संस्कृति हो। लेकिन माइनॉरिटी की परिभाषा नहीं दी गई है, कहीं पर नहीं दी गई है कि कौन होगा। अगर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 को देखें तो उसमें दो प्रकार के अल्पसंख्यकों की बात की गई है, एक कि जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं और दूसरे जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। दो श्रेणियां बांटी गई हैं, जो कि भाषाई अल्पसंख्यक हैं पहले, और दूसरे जो कि धर्म के अनुसार अल्पसंख्यक हैं। अगर UNHRC की बात करें, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन की, तो उसके अनुसार UNHRC 1946 के अनुसार अल्पसंख्यक से तात्पर्य किसी जनसंख्या के उस अप्रधान अर्थात नॉन डोमिनेंट ग्रुप से है, समूह से है, जो अपनी प्रजाति, अपना धर्म, अपने भाषाई परंपरा या उन विशेषताओं को जो शेष जनसंख्या से भिन्न हैं को अस्थायी रूप से संरक्षित रखना चाहते हैं। इसमें तीन चार चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि जो अपनी प्रजाति, धर्म, भाषाई परंपरा या उन विशेषताओं को जो शेष जनसंख्या से भिन्न है को अस्थायी रूप से संरक्षित रखना चाहते हैं, व्यक्तियों के ऐसे समूह को उन्होंने अल्पसंख्यक का नाम दिया है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 के अनुसार अल्पसंख्यक वर्ग का तात्पर्य उस समुदाय से है जिसे केंद्र द्वारा इस श्रेणी में अधिसूचित किया गया हो। केंद्र सरकार चाहे तो जिस भी समुदाय को अधिसूचित कर देती है वो अल्पसंख्यक माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय TMA पाई फाउंडेशन एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स 2002 के अनुसार बड़ी महत्वपूर्ण बात कही गई है इसमें कि अल्पसंख्यक चाहे भाषाई हों या धार्मिक, उनका जो निर्धारण है वो राज्य के विशेष संदर्भ में होना चाहिए, न कि संपूर्ण राष्ट्र की जनसंख्या के संदर्भ में। सुप्रीम कोर्ट ने ये एक बहुत बड़ा जजमेंट दिया है और बहुत ही स्पष्ट जजमेंट दिया है कि जब भी आप बात कर रहे हैं अल्पसंख्यक समुदाय की, तो उसको संपूर्ण भारत की जनसंख्या के संदर्भ में नहीं होना चाहिए बल्कि उस राज्य विशेष के संदर्भ में होना चाहिए। राज्य विशेष का संदर्भ इग्नोर करते हुए आप किसी समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित नहीं कर सकते। लेकिन सामान्य अर्थों में अल्पसंख्यक समुदाय का तात्पर्य संपूर्ण जनसंख्या के आधे से कम व्यक्तियों के, ध्यान रखें कि संपूर्ण जनसंख्या के आधे से कम व्यक्तियों के, माने संपूर्ण जनसंख्या के 50% से कम जनसंख्या हो और जनसंख्या के आधे से कम व्यक्तियों के उस अप्रधान नॉन डोमिनेंट समुदाय से है जो अपनी प्रजाति, धर्म, भाषा, संस्कृति आदि में शेष जनसंख्या से अलग है। मतलब ये दो क्राइटेरिया हैं, पहला कि संपूर्ण जनसंख्या के आधे से कम हो, संपूर्ण जनसंख्या के 50% से नीचे हो, और दूसरा कि उस समुदाय की प्रजाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसको शेष जनसंख्या से
अलग करती हूँ तो उसको अल्पसंख्यक समुदाय का माना जा सकता है। भारत का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 15 एवं 19 जिनमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है बिना भेदभाव के अवसरों की समानता की बात करता है। जी तो अल्पसंख्यकों को भी अवसरों की समानता मिलनी चाहिए, जी उनके भी सारे मौलिक अधिकार हैं जो अन्य लोगों के अधिकार हैं। जी साथ ही अनुच्छेद 29 एवं 30 जो है अल्पसंख्यक समुदाय की भाषा लिपि संस्कृति तथा शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना के संदर्भ में उनके अधिकारों की रक्षा का वर्णन करता है। उनके अधिकारों की रक्षा का वर्णन किन किन संदर्भों में? पहला समुदाय की भाषा लिपि संस्कृति तथा शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना के संदर्भ में करता है। आपने बहुत सरल भाषा में हमारे विद्यार्थियों को समझाया कि अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों से तात्पर्य क्या है। जी डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि हमें ये बताएं कि अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है क्या? जी जरूरत है। जी बिल्कुल, आपने अच्छा प्रश्न किया है कि आखिर अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के पिछड़ेपन के कारण क्या हैं। तो इस पे चर्चा करना चाहेंगे कि इनके पिछड़ेपन के बहुत सारे कारण हैं, जिनमें एक कारण तो गरीबी का है कि इस समुदाय में अभी भी कुछ ऐसे समुदाय हैं, हालांकि कुछ अल्पसंख्यक समुदाय जो है वो गरीब नहीं है, लेकिन कुछ अल्पसंख्यक समुदाय खास करके मुस्लिम समुदाय की अगर बात करें तो गरीबी ज़्यादा है। इस गरीबी के कारण कई बार बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते हैं या उनको आजीविका संबंधी काम करने पड़ते हैं। दूसरा जो है वो है अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों का, वो दूसरा जो कारण है अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों की शैक्षिक पिछड़ेपन का, उन कारणों में उनका अलग संस्कृति और उनकी अलग भाषा का होना है। जैसे एग्जांपल में फिर से अगर एक बार मुस्लिम समुदाय को हम लें तो हमारे अधिकांश विद्यालयों में जो है उर्दू शिक्षक की कमी है, जबकि इस समुदाय का अधिकांश काम घर पर की बातचीत जो है मातृभाषा जो है वो तो उर्दू ही है। जी ऐसे में उनको मातृभाषा में शिक्षण वहाँ पे मिल नहीं पाता है और फलतः उनकी रुचि जो है स्कूल जाने में नहीं होती है या कम हो जाती है। इसके अलावा जहाँ पे इनकी जनसंख्या है वहाँ पे कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे स्कूलों का अभाव है, स्कूल कम है, पर्याप्त मात्रा में नहीं है। इसके अलावा जो और कारण हैं, जो शिक्षक हैं विद्यालयों में वो मुस्लिम बहुल इलाकों में या कोई और अल्पसंख्यक जाति हो, अल्पसंख्यक समुदाय हो, उसके बहुल इलाके में वहाँ पे शिक्षक भी अधिकांश जो है अल्पसंख्यक ना होकर के वो बहुसंख्यक समुदाय से हैं। जी तो ऐसे में वो उनकी संस्कृति से, उनके समाज से वो लाइव उदाहरण नहीं निकाल पाते हैं, जिसकी वजह से एक जो तारतम्यता बननी चाहिए, एक जो संबंध बनना चाहिए शिक्षक का विद्यार्थी से, वो संबंध नहीं बन पाता है और उनको सीखने में कठिनाई होती है। तो ये सब कुछ कारण हैं जिनकी वजह से अल्पसंख्यक समुदाय में कुछ विशेष समुदाय, सारे नहीं लेकिन कुछ समुदाय जो है वो शैक्षिक पिछड़ेपन के शिकार हैं। डॉक्टर साहब, इनकी हम शैक्षिक उन्नति के लिए क्या करें, इसके क्या उपाय हैं? जी जैसा कि आपने कहा कि इनकी शैक्षिक उन्नति के लिए क्या करें, तो इस पे हम फिलहाल हमारे संविधान में जो वर्णित है दो प्रकार के अल्पसंख्यक, भाषाई अल्पसंख्यक और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग, तो हम इन दोनों पर अलग अलग एक बार विचार करें। दोनों की अलग अलग समस्याएं हैं, चूंकि कुछ समस्याएं तो समान हैं, कुछ समस्याएं अलग अलग हैं, तो उनका समाधान भी अलग होंगे। जी भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा को उन्नत करने के लिए सबसे पहला तो इनकी जनसंख्या बहुल, भाषाई जनसंख्या बहुल क्षेत्रों में विद्यालयों की सुगमता एवं उपलब्धता को सुनिश्चित करना होगा हमें। उसके अलावा भाषा विशेष में तैयार पाठ्य पुस्तकों को उपलब्ध कराना होगा हमें, ताकि उनकी भाषाई आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, समझा जा सके। बहुभाषी गतिविधियों का प्रावधान एवं उनमें सहभागिता करनी होगी, ऐसी गतिविधियों का प्रावधान करना होगा विद्यालय में जिसमें कि मल्टी लैंग्वेज के लोग शामिल हों, और मल्टी लिंगुअल इन्वायरमेंट एक विद्यालय में अगर हम तैयार करें तो वो बच्चा न केवल दूसरे का की भाषा सीख सकता है बल्कि दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए उसकी भाषा में कम्युनिकेट कर सकता है, और अपनी जो मातृभाषा है उससे दूसरी भाषा पर, अपनी द्वितीय भाषा पर शिफ्ट हो सकता है। जी तो ऐसे में बहुभाषी गतिविधियों का प्रावधान जो है वो बहुत प्रभावी युक्ति है जिसके माध्यम से हम अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों की शिक्षा को उन्नत कर बना सकते हैं। एक और जो स्ट्रेटजी हम अपना सकते हैं ये अल्पसंख्यक बालकों की शिक्षा को इम्प्रूव करने के लिए, वो है कि
उनकी शिक्षा में उनकी भाषा के विशेषज्ञ शिक्षकों को शामिल करें, और उनके समुदाय के अगर शिक्षक हों तब तो और भी अच्छी बात है। अगर हम उनके भाषा के शिक्षकों को या उनके समुदाय के शिक्षकों को शामिल करेंगे तो इसके कई फायदे हमें हो सकते हैं। पहला तो कि वह शिक्षक जो है, जो उनके समुदाय का होगा, वो उनके कल्चर का, उनके समाज का उदाहरण दे करके उनको चीज़ें समझा सकेगा, बता सकेगा। दूसरा फायदा ये होगा कि वह विद्यालय और विद्यार्थी के बीच एक ब्रिज का काम कर सकता है, एक दुभाषिया का काम कर सकता है। अगर कोई ऐसी नीड है बालक की जी, जो वो विद्यालय को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है क्योंकि दोनों की भाषा अलग अलग है, उसमें भाषा अगर बैरियर है, बाधा है, तो वह शिक्षक जो है उसको दूर कर सकता है। अगर वह शिक्षक उसको दूर कर लेता है तो विद्यालय में बालक की रुचि बढ़ेगी और बालक पढ़ने के प्रति ज़्यादा उन्मुख होगा। इसके अलावा अधिकतर जो देखा है हमने, हमारे यहाँ पूरे भारतवर्ष में जो आकलन के माध्यम है वो हिंदी, अंग्रेजी या क्षेत्रीय भाषा, कोई एक क्षेत्रीय भाषा है। ऐसे में समस्या ये आती है कि चूँकि बच्चे ज़्यादा मातृभाषा में सीखते हैं और ज़्यादातर मातृभाषा में प्रभावी प्रदर्शन कर सकते हैं, तो ऐसे में आकलन का प्रावधान होना चाहिए ताकि वो अपनी मातृभाषा में उत्तर दे सकें, उनका आकलन उनकी मातृभाषा में किया जाए, खास करके प्राथमिक स्तर पर। तब ऐसे में उनका जो वास्तविक पोटेंशियल है, उनका जो वास्तविक क्षमता है, वो हमारे सामने आ पाएगी। इसके अलावा हमने चर्चा की इससे पहले कि भाषाई अल्पसंख्यक जनसंख्या बोल क्षेत्र में विद्यालय में उस समुदाय के ही शिक्षकों को नियुक्ति दिया जाए, तो ऐसे में संभावना है कि इनकी शिक्षा जो है वो उन्नत होगी, इनकी शिक्षा जो है वो इम्प्रूव होगी। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा को उन्नत बनाने के लिए क्या किया जाए। तो फिर से कुछ चीज़ें तो कॉमन है, जैसे विद्यालय की सुगमता एवं उपलब्धता को सुनिश्चित करना। इसके अलावा धार्मिक संस्थानों का आधुनिकीकरण, हमारे जितने धार्मिक संस्थान हैं अभी भी वो अपना कल्चर और ट्रेडिशन तो संजोए ही हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने वो अंधविश्वास भी बचा करके रखा हुआ है, वो अंधविश्वास से भी अभी दूर नहीं हो पाए हैं, निकले नहीं हैं। तो ऐसे में हमें चाहिए कि हम जितने भी हमारे धार्मिक संस्थान हैं उनको मॉडर्नाइज करें, और जो कल्चर और ट्रेडिशन है उनको तो वो प्रिजर्व करें, लेकिन जो अंधविश्वास है उससे तो बाहर आए, उससे वो बाहर निकले, उनका नवीनीकरण हम करें। ये हो सकता है एक उपाय जिससे कि अल्पसंख्यक समुदाय की शिक्षा उन्नत होगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लें, मदरसों में जो शिक्षा दी जाती है उन शिक्षा में हम आधुनिक विषयों को भी शामिल कर सकते हैं जी, धार्मिक विषयों के अलावा आधुनिक विषयों को, रोजगार परक विषयों को भी शामिल कर सकते हैं जी। तो ऐसे में ये जो धार्मिक स्थल हैं, धार्मिक विश्वास के जो स्थल हैं, ये बहुत बड़े परिवर्तन का कारक बनेंगे। यहाँ से रोजगार भी मिल सकता है, और चूंकि वो धर्म से जुड़ा हुआ है तो व्यक्ति जो है धर्म के प्रति अपने आस्थावान होता है जी, और अपने धर्म गुरु की बात जल्दी मानता है, जल्दी सुनता है। सही, तो ऐसे में उनके कम्युनिटी लीडर्स का उपयोग करते हुए, उनके धार्मिक संस्थाओं का उपयोग करते हुए, किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय का हो, कोई भी हो, वो उसका उपयोग करते हुए हम ज़्यादा प्रभावी परिणाम उनके शिक्षा में पा सकते हैं जी। इसके अलावा शिक्षक एवं विद्यालय के स्टाफ के लिए लघु अवधि का प्रशिक्षण होना चाहिए, जिसमें कि उनको सेंसिटाइज किया जाए अल्पसंख्यक बालकों की शिक्षा के प्रति जी। उसके अलावा ऐसा भी किया जा सकता है कि अगर लघु अवधि के नियमित प्रशिक्षण संभव ना हो तो उनके लिए सेल्फ पेस्ट ऑनलाइन लर्निंग के शॉर्ट टर्म मॉड्यूल डेवलप किए जा सकते हैं कि जो चाहे वो अपनी गति से ऑनलाइन जा करके और सीखे कि अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों की शिक्षा में हमें क्या क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्या क्या किया जाना चाहिए जी। इसके अलावा विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इस प्रकार के आवश्यक प्रशिक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए, माने उनके करिकुलम में, शिक्षक प्रशिक्षण के करिकुलम में इसको शामिल किया जाना चाहिए कि अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा में क्या क्या सावधानियाँ, क्या क्या ध्यान रखने की जरूरत, सावधानियाँ नहीं, क्या क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है और कैसे उसके प्रति संवेदनशील हुआ जाए। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि एक शिक्षक के रूप में जो हमारे शिक्षार्थी यहाँ पे मौजूद हैं और सुन रहे हैं, देख रहे हैं,
वो क्या कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि उनका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। जी, उनका ही रोल सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो प्राथमिक स्तर पर सारे शिक्षक हैं और वस्तुतः परिवर्तन के एजेंट हैं, दे आर चेंज एजेंट। जी तो वो क्या कर सकते हैं? उनमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे अल्पसंख्यक संस्कृति के विभिन्न क्रियाकलापों को वो स्थान दें विद्यालय में, विद्यालय के पाठ्यक्रम में। सभी धर्मों की धार्मिक प्रथाओं का सम्मान करें, जी सभी पिछड़े बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करें। अगर अल्पसंख्यक समुदाय का कोई बच्चा बहुत पिछड़ा हुआ है जी और ऐसे कुछ बच्चे हैं, तो उनके विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करें। जी अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों की विभिन्न विद्यालयी क्रियाकलापों में पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करें, जी कि विद्यालय की हर एक्टिविटी में वो बच्चे इक्वली पार्टिसिपेट करें। कर रहे हैं। इसके अलावा भाषा संबंधी मुद्दों को ध्यान दें। अगर अल्पसंख्यक समुदाय का कोई भाषा संबंधी मुद्दा है, जैसे कि उनकी भाषा में उनको बताना, उनके संस्कृति और उनके समाज से उनको उदाहरण देकर बताना, जी तो उस पर ध्यान दें। उसके अलावा शिक्षकों एवं स्टाफ को अल्पसंख्यक बालक बालिकाओं की समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाएं। हमारे शिक्षक बना जागरूक सकते करें। हैं, अपने साथियों को जागरूक करना उनके लिए आसान है। जी। कोई बाहर से आदमी जाकर बताए अगर तो वो शायद उतना प्रभावी नहीं होगा, जितना उनका अपना साथी एक बताए कि कैसे वो उनके प्रति संवेदनशील हो सकते हैं, वो ज़्यादा प्रभावी होगा। उसके अलावा सहभागी शिक्षण विधियों का प्रयोग जितना संभव हो क्लास में करें, और समूह जब बनाएं उसमें सहभागी शिक्षण में, तो ये ध्यान रखें कि उसमें विविधता हो। जी। ऐसा ना हो कि एक अल्पसंख्यक बच्चों के सभी अल्पसंख्यक बच्चों का एक समूह बना दिया और एक बहुसंख्यक बच्चों का, बजाय इसके एक मिश्रित और विविधतापूर्ण समूह बनाएं, कि कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के बालकों, कुछ SC समुदाय के, कुछ ST समुदाय के, कुछ बहुसंख्यक समुदाय के, तो ऐसे एक डाइवर्स समूह का निर्माण होगा और सबको एक दूसरे को, एक दूसरे की समस्याओं को समझने में मदद मिलेगी, और ये एक सामाजिक समरसता को बढ़ावा देगा सभी विद्यार्थियों में। यानी समूह गत्यात्मक हो वो अच्छा है। समूह गत्यात्मक, जी। सारांशता आज जो हमने सीखा वो है कि शिक्षा के अधिकार एवं भारतीय संविधान के अवसरों की समानता के संदर्भ में अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा पर ध्यान दिए जाने की विशेष आवश्यकता है। इस वर्ग की शिक्षा की मुख्य समस्याओं में विद्यालय की अनुपलब्धता, ड्रॉपआउट और भाषाई व्यवधान आदि हैं, जिन्हें दूर करने के लिए एक शिक्षक होने के नाते आप सभी शिक्षक अपनी कक्षा में उनकी सहभागिता बढ़ाकर, सहभागी शिक्षण की विधियां अपनाकर, उनकी भाषा में उन्हें शिक्षण प्रदान कर एवं शिक्षण सामग्री उनकी भाषा में उपलब्ध कराकर उनकी शिक्षा को उन्नत बनाने में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। आज की कक्षा में डॉक्टर अखिलेश कुमार जी ने हमें बड़े सरल शब्दों में बताया कि अल्पसंख्यक वर्ग से मतलब क्या है, इनके शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण क्या हैं, इनका शैक्षिक पिछड़ापन दूर कैसे किया जाए, और सबसे महत्वपूर्ण हम और आप अध्यापक लोग मिलकर इनके शैक्षिक उत्थान के लिए क्या क्या कर सकते हैं, हमारी क्या भूमिका है, कैसे इनसे सहयोग लें और कैसे हम इनको सहयोग दें। ये डॉक्टर साहब का व्याख्यान बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने ये सारी चीज़ें बड़े सरल शब्दों में समझ ली होंगी, हमको ऐसी उम्मीद है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।